ब्लॉकचेन होता क्या है, या तुम नाम से देख सकते हो कि एक चेन ऑफ ब्लॉक्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन का जो ब्लॉक होता है उसके अंदर होता है कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, या मेरे पास कितने बिटकॉइंस पड़े हैं, ये सब कुछ होता है। तो ब्लॉकचेन बनी क्यों थी, पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सेंट्रल सर्वर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बैंक्स को भेजते हैं, बैंक्स के थ्रू कुछ काम होता है, गवर्नमेंट को भेजते हैं, तो ये जो बीच का मिडिलमैन है उसको हटाने के लिए हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को लेके आए थे मार्केट में। ट्वेंटी में हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज क्रिप्टो करेंसीज में काफ़ी बूम देखी। सितंबर अक्टूबर आते ही क्रिप्टो करेंसीज में इतना ज़्यादा बूम दिखा, लोगों को पता चला कि क्रिप्टो करेंसी कुछ चीज़ होती है, ब्लॉकचेन कुछ चीज़ होती है। काफ़ी सारे डेवलपर्स को पता चला कि ब्लॉकचेन कुछ आया है मार्केट में, ब्लॉकचेन डेवलपर्स की कमी है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई लो है, लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में पता नहीं है। इंडिया के अंदर 1 मिलियन अगर ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होंगे तो उनमें से सिर्फ 5K ही हमारे पास ब्लॉकचेन डेवलपर्स है जिनको अच्छे से नॉलेज है ब्लॉकचेन की। और काफ़ी ज़्यादा लोग पूछना चाहते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है, रोड मैप जानना चाहते हैं, ब्लॉकचेन स्टार्ट कहाँ से करें, क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, और इसके आगे करियर ऑप्शंस क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है ब्लॉकचेन में। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉकचेन के बारे में कि ब्लॉकचेन क्या है और क्रिप्टो करेंसीज और ये ब्लॉकचेन की जो डेवलपमेंट है इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें हमें जानने को ज़रूरत है, और ये हम सब कुछ आज जानने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। बात करते हैं ब्लॉकचेन डेवलपर रोड मैप की। हाय गाइस, आई एम नमन, आई एम करंटली अ फोर्थ ईयर स्टूडेंट एट पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, और मैं माइक्रोसॉफ्ट में एक इनकमिंग SDE हूँ, और आज हम बात करने आ रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉकचेन से। ब्लॉकचेन होता क्या है, यह तुम नाम से देख सकते हो कि एक चेन ऑफ ब्लॉक्स है। तो हर चेन में ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। अब इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन का जो ब्लॉक होता है उसके अंदर होता है कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, या मेरे पास कितने बिटकॉइंस पड़े हैं, ये सब कुछ होता है। तो ब्लॉकचेन बनी क्यों थी, पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि जो डबल रिकॉर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं कि फॉर एग्जांपल दो जने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, दोनों एक साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और उस पर्टिकुलर टाइम में हो सकता है कि जो सर्वर है उसके अंदर दो दो ट्रांजेक्शन शो हो जाए, ठीक है। यानी हम चाहते थे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ही बिटकॉइन है और दो लोगों ने एक साथ कुछ पेमेंट रिसीव कर या सेंड किया, और मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक को जाए बट दूसरा भी कॉल कर चुका है रिसीविंग के लिए। तो एक साथ दो दो या मल्टीपल ट्रांजेक्शन नहीं हो इसलिए हम लोग ब्लॉकचेन यूज कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सेंट्रल सर्वर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बैंक्स को भेजते हैं, बैंक्स के थ्रू कुछ काम होता है, गवर्नमेंट को भेजते हैं, तो ये जो बीच का मिडिलमैन है उसको हटाने के लिए हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को लेके आए थे मार्केट में। इट इज़ यूज फॉर सिक्योर ट्रांसफर, सिक्योर ट्रांसफर के लिए यूज़ होता है, जैसे हम मनी या प्रॉपर्टी या कुछ भी एसेट हमारा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ये सब हम ब्लॉकचेन के थ्रू कर सकते हैं, जिससे प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी और जो भी है फ्रॉड, ये जो वर्ड है फ्रॉड ये नहीं हो। तो सिर्फ हम चाहते हैं कि जो थर्ड पार्टी इंटरमीडिएटर है इसको हम एलिमिनेट कर दें, उसके लिए ब्लॉकचेन जो है वो मार्केट में आई थी। तो एक बार जो डेटा रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, ब्लॉकचेन के अंदर, वो वापस हम हटा नहीं सकते। दिस वॉज दी ओवरऑल बेनिफिट एक ब्लॉक का, कि ब्लॉक के अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ये ब्लॉकचेन का जो नोड होता है, जो नेटवर्क होता है, इसमें नोड्स होते हैं, ये एक नेटवर्क होता है, पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है, इसके अंदर हम नोड्स ऐड कर सकते हैं बट नोड्स चेंज नहीं कर सकते। ये भी हम बात करेंगे कि नोड्स क्यों चेंज नहीं कर सकते, एंड तक वीडियो के रहना, हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं कि ब्लॉकचेन होता क्या है। लोगों का एक मिथ क्लियर कर देते हैं कि ब्लॉकचेन क्या नहीं है। जब भी हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं लोगों के दिमाग में आता है यार बिटकॉइन की बात होने वाली है, बिटकॉइन है क्या, चलो समझते हैं। हम यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइस की बात नहीं कर रहे हैं कि बिटकॉइन अच्छा है, बिटकॉइन को पंप करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि क्या एक्चुअली ब्लॉकचेन नहीं है। तो ब्लॉकचेन से ये मत समझो कि हम बिटकॉइन की बात करने वाली है, बिटकॉइन नहीं है, ठीक है। दिस इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड बिटकॉइन, कि बिटकॉइन कहाँ पे चलता है, कैसे बना, किसके ऊपर बना, क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई और बिटकॉइन क्या क्या यूज कर रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी है बिटकॉइन के पीछे, ठीक है। बिटकॉइन एक डिजिटल टोकन है जो ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, ठीक है, ये एक डिजिटल टोकन है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बना है। तुम लोग विदाउट ब्लॉकचेन बिटकॉइन नहीं रख सकते, बट यू कैन कीप अ ब्लॉकचेन विदाउट बिटकॉइन। बहुत सारी ब्लॉकचेन से, जैसे इथेरियम ब्लॉकचेन हो गई, रिपल, कार्डानो, आई एम श्योर तुम लोगों को पता होगा, काफी सारी आजकल तो क्रिप्टो करेंसीज काफी ज्यादा पंप हो रही है, जैसे एलॉन भी डोगी को लास्ट ईयर पंप करना चाहता था, और काफी सारी चीजें पंप हो रही है, आई एम श्योर आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज होगी। बट ओवरऑल जो चीज मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ब्लॉकचेन का मतलब बिटकॉइन नहीं होता, बिटकॉइन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ ब्लॉकचेन, बिकॉज ब्लॉकचेन तो टेक्नोलॉजी है बिटकॉइन के पीछे, बट ब्लॉकचेन कैन एग्जिस्ट। तुम लोग भी अपनी
थोड़े टाइम बाद अगर तुम लोग मेहनत करोगे 6-7 महीने में यू कैन मास्टर ब्लॉकचेन, तुम लोग अच्छे से कर सकते हो, खुद की एक चेन बना सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक ब्लॉक में होता क्या है। तो ब्लॉक में हमने बात तो कर ली कि डेटा होता है, एक हैश होता है और एक होता है हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक। बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, नोड्स होते हैं। नोड्स क्या होते हैं, जैसे कंप्यूटर्स या फिर डिवाइस जिसके अंदर ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब ये जो डेटा होता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे बिटकॉइन के ब्लॉक के अंदर डेटा होता था सेंडर रिसीवर या फिर मेरे पास कितने बिटकॉइन पड़े हैं। इसके साथ साथ इसके पास कुछ हैश होता है। तो हैश है ये काइंड ऑफ फिंगरप्रिंट होता है दैट ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्लॉक। और ये जो हैश बनता है, ये हैश बनता है खुद के डेटा से और प्रीवियस जो ब्लॉक है उसके अंदर जो डेटा पड़ा है। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक एल्गोरिथम ऐसे 246 के थ्रू ये डेटा, ये जो हैश है ये बनता है। इट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ द करंट डेटा दैट यू हैव इन करंट ब्लॉक, इसके अलावा जो पीछे हमारी जो नोड थी ना जिससे हमारा ये करंट डेटा या करंट नोड कनेक्ट है उसके थ्रू, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ बनता है। तो सिंस एवरी ह्यूमन का जो फिंगरप्रिंट होता है दैट इज यूनिक, तो हर ब्लॉक का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है जिसको एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। तो अब जब तुम देखो, जब एक करंट नोड नेक्स्ट नोड से कनेक्टेड है और जो करंट नोड का जो नेक्स्ट नोड का जो डेटा वो मेरे करंट नोड के हैश पे डिपेंडेंट है और उसके डेटा पे डिपेंडेंट है, तो अगर मैं करंट नोड के अंदर कुछ चेंज कर दूंगा तो उसके थ्रू नेक्स्ट नोड का भी हैश चेंज होगा। अब नेक्स्ट नोड का अगर हैश चेंज होगा तो उसके नेक्स्ट जो नोड लगी है उसका हैश चेंज होगा। तो ऐसे ऐसे कहीं पे भी अगर तुम चेंज करना चाहोगे तो पूरे नेटवर्क में चेंज होगा। इस वजह से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई टेम्परिंग नहीं होती है डेटा की, हैश को चेंज किया नहीं जा सकता, ये भी हम बात करेंगे। यहाँ पे हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क का। ये जो प्रूफ ऑफ वर्क होता है, ये जो टोटल चेंजिंग का मैकेनिज्म होता है उसको स्लो डाउन करता है। जब भी हैकर्स चाहते हैं ब्लॉकचेन के अंदर घुसना, व्हाई डू वी से कि ब्लॉकचेन काफी ज्यादा अच्छी है, सिक्योर है, ये इसके पीछे रीजन ये है कि ब्लॉकचेन जो है इन ब्लॉक्स के अंदर ही हैश यूज होता है। हैश खुद का बना हुआ नहीं होता, खुद का यूनिक हैश नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि जो मेरा करंट का डेटा क्या है और प्रीवियस ब्लॉक का जो हैश है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब सोचो, या तो मैं अगर इसका डेटा चेंज करने की कोशिश करूँ या हैश चेंज करने की कोशिश करूँ तो मेरा करंट का हैश चेंज होगा, करंट का हैश चेंज होगा तो नेक्स्ट का हैश चेंज होगा। तो ये जो है, ये हैश चेंज होने की वजह से तुम्हारा जो टोटल कोड है, टोटल हैश है ओवर ऑफ एंटायर सिस्टम, ये पूरा चेंज जाएगा और वी कैन इंश्योर कि ये नहीं हो। और ये हम इंश्योर कैसे करते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू। प्रूफ ऑफ वर्क क्या करता है, ये जो क्रिएशन ऑफ नोड्स है, ये जो चेंजिंग जो हम चाहते हैं उसको क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। स्लो डाउन कैसे करता है ये भी मैं बता देता हूँ कि काफी ज्यादा कॉम्पिटिशनल प्रॉब्लम होती है। प्रूफ ऑफ वर्क एक कॉम्पिटिशनल प्रॉब्लम होती है जो बहुत ज्यादा एफर्ट के थ्रू सॉल्व होता है और ये एफर्ट लगाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम जब कहते हैं कि जब एक बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन होता है, बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन हमें अप्रॉक्स 10 मिनट्स लेता है। अब सोचो अगर कोई हैकर एक ब्लॉक को हैक करना चाहे, अब जैसे ही वो ब्लॉक को हैक करेगा तो हमें ये बताइए कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की वजह से हमारे को 10 मिनट्स तो लगेंगी ये हैश चेंज करने में। अब 10 मिनट्स में पहले वो करंट ब्लॉक को चेंज करेगा, फिर वो नेक्स्ट ब्लॉक पे चेंज करेगा क्योंकि करंट हैश चेंज करने से नेक्स्ट हैश चेंज होगा, राइट? क्योंकि हमने यही बताया था हैश का फॉर्मूला क्या होता है, वो करंट डेटा पे भी डिपेंड करता है और पिछले वाले के डेटा पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे ही एक हैकर आएगा अंदर और हैक करना चाहेगा बट वो नहीं कर पाएगा क्योंकि एटलीस्ट उसको 10 मिनट लगेंगे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करने में, वैलिडेट करने में कि ये चेंजेस रिक्वायर्ड है या नहीं। और ऐसे सोचो कितने सारे नोड्स होते हैं, कितने सारे बिटकॉइंस होते हैं, तो क्योंकि नोड्स बहुत ज्यादा होता है और हमारे को टाइम काफी ज्यादा लगता है, हम इंश्योर कर सकते हैं कि ये जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है ये हमारे को ओवरऑल हैकिंग से बताता है। ठीक है, इसके अलावा भी काफी चीजें हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट मेथड है जिससे हम ब्लॉकचेन्स को सिक्योर कर सकते हैं बाय मेकिंग इट डिस्ट्रीब्यूटेड। हम एक सेंट्रल एंटिटी को सब कुछ मैनेज करने को नहीं देते, ब्लॉकचेन में वी यूज डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क। हर नोड के पास सारा डेटा होता है, एवरीवन इज अलाउड टू जॉइन दिस नोड, और एक डेटा में एक नोड के अंदर चेंज होने से सारे नोड्स में चेंज होगा विच कैन नॉट बी पॉसिबल। इसलिए हम कहते हैं कि ब्लॉकचेन्स के अंदर जो होती है करंट नोड उसके अंदर हम डेटा चेंज नहीं कर सकते। वी कैन ऐड डेटास, वी कैन ऐड नोड्स, हमने पीसीज हमने नोड्स ऐड कर सकते हैं बट वी कैन नॉट चेंज द करंट नोड दैट यू हैव इन द नेटवर्क, ये हम चेंज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि मार्केट की नीड क्या है, हम ब्लॉकचेन में क्यों घुसना चाहते हैं, कि क्या क्यों इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कि अनचेंजेबल ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने बात किया क्योंकि इसका हैश इतना यूनिक होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तोड़ना, तो ये एक अनचेंजेबल ट्रांजेक्शन बना देता है कि अगर हमने कोई चेंज कर दिया, अगर हमने सिस्टम में कोई चेंज कर दिया वापस से चेंज नहीं हो सकता। यही ब्लॉकचेन का फंडामेंटल रीजन है कि ब्लॉकचेन्स क्यों आई।
इसके अलावा हम लोग फ्रॉड प्रिवेंट कर सकते हैं, फ्रॉड प्रिवेंट कर सकते हैं, और सिक्योरिटी ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे कोई बीच में इंटरमीडिएटर नहीं है। इसके वजह से हम ये इंश्योर कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी होती है क्योंकि वन टू वन जो होता है ट्रांजेक्शन वन टू वन होगा तो हमें पता चलेगा या तो वो यहाँ से गया है या तो यहाँ से नहीं गया है, कुछ भी ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, देयर इज नो मिडिल थिंग। इसके अलावा डिसेंट्रलाइज इसलिए क्योंकि ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो किसी चीज को होल्ड कर सकता है। तुम लोग इसके थ्रू जब तुम लोग सुनते हो आजकल लोग NFTs देख रहे हैं, DeFi देख रहे हैं, तो NFTs यानी नॉन फंजिबल टोकन्स, लोग ऐसी चीज को एक्सेस कर रहे हैं जो उनके पास फिजिकली नहीं है बट दे ट्राई टू कीप दैट एज एन एसेट, इसको कहते हैं NFT। और सिमिलरली DeFi यही होती है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स होती है, डैप्स, ये सब इसी चीज का कंसेप्ट है। अब बात करते हैं कि इसके लिए तुम्हारे को क्या क्या जरूरत है, तुम्हें क्या क्या जानने की जरूरत है। अभी तक हमने बहुत बात कर ली ब्लॉकचेन के बारे में, अब ब्लॉकचेन से आते हैं कि तुम्हें क्या क्या चीजें जरूरत होनी चाहिए फॉर गोइंग इनटू दिस थिंग। अब बात करते हैं कि इसके अंदर दो तरीके के डेवलपर्स होते हैं, एक तो होता है कोर डेवलपर जो नॉर्मली एक क्लाइंट बनाता है, यानी ब्लॉकचेन क्लाइंट बनाता है, ब्लॉकचेन क्लाइंट सच एज इथेरियम हो गया, कार्डानो हो गया, पॉलीगन मैटिक हो गया, ये सब हो गए, ये क्लाइंट्स हैं। तो दो तरीके के डेवलपर्स होते हैं, एक तो जो कोड में डेवलप करते हैं, जो ब्लॉकचेन डेवलप कर रहे हैं या नई नोड्स ऐड कर रहे हैं या इनके एल्गोरिदम्स या इनकी सिक्योरिटीज पे काम कर रहे हैं, जो तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स बनते हैं उन पे काम कर रहे हैं, ये तो होते हैं तुम्हारे ब्लॉकचेन कोर डेवलपर्स। इसके अलावा जो अभी बात हो रही है वो हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन के जो वेब डेवलपर्स होते हैं कि उनके अंदर क्या क्या आता है, उसके लिए हम बात करेंगे क्या क्या हमें जरूरत है। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें जरूरत है क्रिप्टोग्राफी की, तुम्हें बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ब्लॉकचेन डेवलपर को क्रिप्टो के बारे में पता होना चाहिए कि डिजिटल सिग्नेचर्स कैसे बनाते हैं या RSA एल्गोरिदम्स होती है, ये सब के बारे में पता होनी चाहिए, तुम्हारे को ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा तुम्हारा क्रिप्टोग्राफी के साथ साथ तुम्हारी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि जो एल्गोरिदम्स होते हैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स मांगती है, तो जब भी तुम ब्लॉकचेन डेवलपिंग में जाओगे तो क्रिप्टोग्राफी के साथ साथ तुम्हारी मैथमेटिक्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ये तो पहली चीज। इसके अलावा तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए और तुम्हें नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए क्योंकि तुम वेब APIs के ऊपर बात करोगे, तुम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड के ऊपर भी हम बात करने वाले, ये सब तुम्हें जरूरत होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब भी तुम लोग कोई ब्लॉकचेन बनाओगे तो उसको एक्सेस कहाँ करोगे, ब्लॉकचेन तो तुम्हारा सर्वर साइड पे रहता है, ब्लॉकचेन तुम्हारे सर्वर पे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल नोड जैसे रिएक्ट के थ्रू तुम जब ऐप बनाओगे तो हमारे को एक फ्रंट एंड चाहिए सो दैट वी कैन एक्सेस, तो इसके लिए तुम्हें इन सब चीज़ों की ज्यादा जरूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लैंग्वेजेस क्या क्या सीखनी पड़ेगी। लैंग्वेजेस में आती है सॉलिडिटी, सॉलिडिटी इज अ लैंग्वेज जिसके अंदर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखेंगे ब्लॉकचेन पे। फॉर एग्जांपल तुम लोग इथेरियम वर्चुअल मशीन्स पे जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाओगे तो उसको किस लैंग्वेज में लिखते हैं, सॉलिडिटी लैंग्वेज में। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने में लिखती है, मतलब और ये एक काइंड ऑफ मिक्सचर है C++, पाइथन और जावास्क्रिप्ट का, और ये जनरली इथेरियम वर्चुअल मशीन्स के लिए टारगेट की जाती है सॉलिडिटी। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब समझेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होता क्या है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि एक प्रोग्राम होता है जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन सेट होने पे चलता है। फॉर एग्जांपल हमने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं कि जैसे ही टाइम हो जाए 30 मिनट्स तो एक टोकन उसको पास कर देना। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 टोकन मैंने किसी चीज़ के बनाए, फॉर एग्जांपल एक्स कोई मैंने करेंसी या कोई डिजिटल टोकन बनाया और मैंने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि जैसे ही T=30 मिनट्स हो एक टोकन किसी बी बंदे को पास कर दो। तो ये जो काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये बाद में चेंज नहीं हो सकता, इसको हम कहते हैं एक प्री डिटरमिंड कंडीशन सेट होने पे जो चीज प्रोवोक हो जाती है दैट इज कॉल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये जनरली हमारे सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हैं और जैसे ही कोई मेरे को सर्टेन आउटकम चाहिए, जैसे कोई कंडीशन हिट हो गई और मेरे को कुछ करवाना है, ऑटोमेशन करवाना है, तो उस टाइम पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यूज होते हैं जो कि हम किस पे लिखते हैं, सॉलिडिटी के थ्रू लिखते हैं ऑन सम काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। इसके अलावा तुम्हें किस किस चीज़ की जरूरत है, तुम्हें आजकल लोग बात करते हैं मर्न और मीन स्टैक की, तो जो उसमें एम होता है वो क्या होता है, MongoDB। तो जो MongoDB होता है ये भी डेटाबेस है और ब्लॉकचेन भी डेटाबेस है, बट एक सिक्योर टाइप का डेटाबेस है, इसके अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं अलॉन्ग विद द हैश। तो तुम्हें पता लगेगा कि जैसे मर्न और मीन स्टैक है तो वहाँ पे जब डेवलपमेंट यूज होती है तो हम यहाँ पे भी एक्चुअली क्या करते हैं, फुल स्टैक ब्लॉकचेन डेवलपर को ढूंढते हैं क्योंकि हमारे को सिर्फ बैक एंड के ऊपर काम नहीं करना होता, हमें फ्रंट एंड भी चाहिए इसके लिए। बिकॉज सोचो तुम लोग कहाँ से एक्सेस करोगे चीज़ें, तुम्हें एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना एक्सेस करने के लिए चीज़ें, तो उसके लिए तुम्हें फ्रंट एंड डेवलपमेंट के साथ साथ बैक एंड डेवलपमेंट दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। तुम्हें ट्रफल आना चाहिए। ट्रफल क्या होता है, ट्रफल एक वर्ल्ड क्लास
डेवलपमेंट एनवायरमेंट है, टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, जहाँ पे तुम ब्लॉकचेन्स को चेक कर सकते हो, टेस्ट करवा सकते हो इथेरियम वर्चुअल मशीन्स के थ्रू। वहाँ पे तुम लोग सब कुछ, जो भी तुम्हारे एसेट्स है, जो भी तुम्हारे ट्रांजेक्शन हो, एक चेक कर सकते हो। ट्रफल एक तुम्हें एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ मेटामास्क भी है। तो मेटामास्क एक सॉफ्टवेयर है जो तुम्हें इथेरियम ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट करवाते हैं। तुम्हें क्या देता है, टेस्टिंग एनवायरमेंट देता है। टेस्टिंग एनवायरमेंट में तुम्हारे पास ईथर्स होते हैं, इथेरियम के जो टोकन होते हैं वो ईथर्स कहलाते हैं, और तुम ईथर्स के थ्रू ट्रांजैक्शन अपने वैलिडेट कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि कैसे होते हैं। ये एक्चुअली इथेरियम नहीं होते, ये जस्ट एक टोकन होता है जो तुम्हें दिया जाता है फॉर प्रैक्टिसिंग एंड हाउ यू कैन इंटरैक्ट विद द डिसेंट्रलाइज्ड ऐप। तो ये मेटामास्क तुम्हें प्रोवाइड करता है। सेम गनाश भी होता है, दैट इज ऑल्सो यूज फॉर सेटिंग अप योर ओन इथेरियम ब्लॉकचेन फॉर टेस्टिंग योर ओन डिसेंट्रलाइज्ड ऐप, या फिर तुम्हारे जो भी सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स जो तुमने बनाए वो तुम चेक कर सकते हो गनाश के थ्रू। और मेटामास्क का साइन फॉक्स की तरह होता है, वो तुम्हारे ब्राउजर में ही होता है, तुम ब्राउजर के अंदर ही वो एक्सेस कर सकते हो। और जो तुम्हारी एप्स है, जो भी तुम कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हो, जो भी तुम डिसेंट्रलाइज एप्स बना रहे हो, उनको तुम मेटामास्क के थ्रू यूज कर सकते हो। तो ये थी जो तुम्हें चाहिए फॉर बीइंग अ गुड ब्लॉकचेन डेवलपर। 6-7 महीने तुम्हें आराम से लगेंगे करने में। इसके अलावा बात करें कि एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो एप्लीकेशंस की ढेर सारी है। जहाँ पे तुम लोग बात करोगे सिक्योर और ट्रांसपेरेंट डिजिटल लेजर की तुम्हें जरूरत है तुम्हारे ट्रांजैक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल वोटिंग सिस्टम। वोट क्या होता है, वोट में हमें एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन चाहिए वो बहुत ज़्यादा सिक्योर चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए, हम वोटिंग के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। इसके अलावा कहीं पे भी अगर तुम्हारे टैम्पर प्रूफ रिकॉर्ड चाहिए एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के, एकेडमिक अचीवमेंट्स के, फॉर एग्जांपल जो तुमने पास्ट में किया है, तुम यहाँ पे ये यूज कर सकते हो, क्योंकि जिससे तुम लोग अपनी पास्ट की अचीवमेंट्स को चेंज नहीं कर सको, फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर जो भी है, एंड इट कैन बी एक्सेसिबल टू ऑल। तो ये काफी अच्छा एरिया है जहाँ पे ब्लॉकचेन यूज हो सकती है। इसके अलावा यू कैन क्रिएट अ वेरी एफिशिएंट सिस्टम फॉर ट्रेडिंग सिक्योरिटी थिंग्स, फॉर ट्रेडिंग एंड इक्विटीज, यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो हमारे को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और सिक्योर चीज़ होती है। इसके अलावा तुम लोग फ्लैश लोन्स के अंदर ये यूज़ कर सकते हो, हम ब्लॉकचेन के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं चीज़ें। इसके साथ साथ और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हमें जहाँ पे भी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन करने हैं, जहाँ पे भी आई नीड मोर सिक्योर ट्रांजैक्शन, हम उधर ब्लॉकचेन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक एसेट की तरह भी यूज हो जाता है, जैसे आजकल लोग क्रिप्टो करेंसीज के अंदर काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, लोग एक दूसरे को क्रिप्टो करेंसी, और इसके अंदर द मेन बेनिफिट इज कि तुम्हें बीच के अंदर कोई इंटरमीडिएटर को कोई गैस फीस नहीं देनी पड़ती, ठीक है। डायरेक्टली तुम लोग ट्रांसफर कर सकते हो, जो भी तुम्हारा करेंसी है तुम लोग किसको ट्रांसफर कर सकते हो, और इससे तुम्हारा आराम से ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो ये तुम्हें एक खुद की एक पर्टिकुलर ओनरशिप प्रोवाइड करता है, और ब्लॉकचेन क्योंकि काफी ज्यादा बूम पे है, तुम लोग इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत कर सकते हो और जा सकते हो, और इसकी जो अर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, एटलीस्ट 2-3 times ऑफ अ नॉर्मल डेवलपर जो भी है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तुम लोगों को सीखने मिलेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, क्रिप्टोग्राफी इन्वॉल्व है, और फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि तुम वेब APIs के ऊपर काम करोगे, ट्रांजैक्शन के ऊपर काम करोगे, तुम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाओगे, ऑन सॉलिडिटी बहुत ज़्यादा ईजी होता है, मिक्सचर होता है C++ जावा इन सब चीज़ों का। तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है, और ये आने वाले 5-10 years के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है। आई एम श्योर अगर तुम लोग अभी अच्छा करोगे, काफ़ी ज़्यादा वेब डेवलपर्स नहीं है जो ब्लॉकचेन में घुसे हुए, अगर तुम घुसोगे कहीं ना कहीं तुम्हें बेनिफिट ही करेगा, और तुम्हारे इवन रेज्यूमे को ज़्यादा पुश करेगा, बिकॉज यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। थैंक यू गाइज, आई होप तुम्हें ब्लॉकचेन के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल गई होगी, ट्रफल, मेटामास्क और इन सब के बारे में, DeFi क्या होता है, NFTs क्या होता है, ब्लॉकचेन एक्चुअली में होता क्या है, जो हैश कोड होता है वो क्यों होता है, क्या हमें क्यों हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और क्या हमें फीचर्स प्रोवाइड करता है ब्लॉकचेन, ये सब तुम्हें आ गया होगा। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नहीं समझ आया और कोई और वीडियो तुम लोग चाहते हो तो प्लीज़ ड्रॉप डाउन कर देना, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर ऑसम वीडियोज़। थैंक यू गाइज, आई होप तुम लोग सब सेफ हो, स्टे स्माइलिंग।